रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद इशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों ये हमने अलमारी तैयार की है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ आपको देंगे कि ये कैसे बनानी चाहिए, इस पे ख़र्चा कितना आया है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं और इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जो कैबिन बने हैं इसमें आप कपड़े इस्त्री करके प्रेस करके रख सकते हैं और कोई भी अपनी ज़रूरत मतलब घर की ज़रूरत की चीज़ें इसमें रख सकते हैं। इसको हमने जो नीचे वाले दरवाज़े हैं ये हमने लंबे लगाए हैं यहाँ से लेकर ज़मीन तक, और जो बाकी हिस्सा बचा है वो तकरीबन हमने वो 3.5 फुट तक है और नीचे वाला 6.5 फुट के करीब है तकरीबन। तो इसको हमने फुल जो है ज़मीन से लेकर यहाँ तक तैयार कर दिया है। और यहाँ पे आप जो घर के बिस्तर वगैरह होते हैं, कंबल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी जो भी वीडियो होगी, हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको बआसानी मिल सकेगी। अच्छा जी, अगला जो है कैबिन वो इस तरह का है, इसमें 2 दराज डाले गए हैं, ये बड़े दराज हैं। और यहाँ पे आप कपड़े हैंगर कर सकते हैं। इधर आ जाएं आप, इधर आ जाएं। अच्छा, ये इसमें ड्रेसिंग का सिलसिला है, ड्रेसिंग का सामान रख सकते हैं आप। ये 2 दराज यहाँ पे डाल दिए गए हैं और यहाँ पे आप कपड़े हैंगर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो जूते वगैरह होते हैं वो रख सकते हैं इस तरह। और इसी तरह से ऊपर कैबिन बन गए हैं, ये खुले कैबिन हैं, आप इनमें काफ़ी सारा सामान जो है सेव कर सकते हैं। इनको जो दस्तियाँ वगैरह लगी हैं वो स्टील की, कैचर स्टील के लगे हैं। ये तकरीबन 12x10 की लंबाई है, 9 फुट। तो इस पे तकरीबन 60,000 रुपया टोटल ख़र्चा विद मजदूरी, हर चीज़ कंप्लीट, जो हर चीज़ जो है वो 60,000 रुपये में तैयार हो गई है तकरीबन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।